डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या पढ़ना है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऐसे करके एक हेडिंग है छोटी सी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। है ना, जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, पूरा मॉर्फोलॉजी मान लो एक बार हम पढ़ डाले, तो पढ़ने के बाद जो है अब उसको जो है कैसे एक शॉर्ट में लिखा जाए, एक टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए, उसके लिए बात जो है कि वहाँ पे दिया गया है कि जो अब लिखे क्या जा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो लिखे जा रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है शॉर्ट में, टेक्निकल। एक फैमिली का, एक फ्लावरिंग प्लांट का, वो तो फैमिली का ही होगा ही ना, किसी ने एक प्लांट के लिए भी हो सकता है वो, एक फैमिली के लिए भी हो सकता है ना। तो उसमें फ्लावरिंग प्लांट में क्या डिस्क्रिप्शन लिखने में क्या कंडीशन है, कोई ऐसे ही चाहे जैसे लिखते चले जाओ उनके बारे में। प्लांट में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक वेजिटेटिव पार्ट। मॉर्फोलॉजिकल हम देख रहे हैं, तो अब वेजिटेटिव पार्ट भी आएगा उसमें, मॉर्फोलॉजी में दोनों आएगा, वेजिटेटिव पार्ट भी आएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आएगा। हम कैसे उसको लिखें, पहले फ्लावरिंग फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखें कि पहले रूट लिखें कि पहले स्टेम लिखें, या चाहे जैसे ही लिख दें, है ना। तो उसकी क्या कंडीशन है, एक फिक्स कंडीशन है उसकी कि ये जो पूरा करेक्टर है, ब्यौरा है, वो पहली बात तो एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, है ना, शॉर्ट में होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। दूसरा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए। कहाँ देख रहे हो, है ना, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और साथ साथ जो है कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक, जो डिस्क्रिप्शन है मॉर्फोलॉजिकल फीचर का फ्लावरिंग प्लांट का, वो ब्रीफ में होना चाहिए। दूसरा कि सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, और जो है कि क्या वहां पे जो है सीक्वेंस फिक्स, मतलब ऐसे ही कि कोई फिक्स सीक्वेंस है तो भैया उसका फिक्स जो है कि प्रॉपर सीक्वेंस जो है कि प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंसेस। अब वो सीक्वेंस क्या है, है ना, क्या सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले जो है क्या दिया जाएगा, सबसे पहले उस सीक्वेंस में हम उसका क्या लिखेंगे, हैबिट लिखेंगे। सुन पा रहे हो, सबसे पहले कैसी उसकी हैबिट लिखी जाएगी, फिर उसके बाद उसका क्या लिखा जाएगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में भी पहले कौन, वेजिटेटिव कैरेक्टर में भी पहले कौन, पहले रूट के बारे में जो है बताया जाएगा, फिर उसके बाद स्टेम के बारे में बताया जाएगा, और तब जाके फिर उसके बाद जो है उसकी लीव्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, है ना। ये सीक्वेंस फिक्स है, ये सीक्वेंस जो है वो फिक्स है। और फिर उसके बाद जो है कि क्या होगा, उसका एक हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर, अब उसका जो है कि फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में भी कौन, पहले इनफ्लोरेसेंस, पहले क्या बताएंगे, इनफ्लोरेसेंस बताएंगे, फिर उनका जो है क्या बताएंगे, फ्लोरल पार्ट्स बताएंगे, और फिर फ्लोरल पार्ट्स बताने के बाद जो है तब नंबर आएगा किसका, फ्लोरल डायग्राम का, और तब एकदम लास्ट में आएगा फ्लोरल फार्मूला, है ना। ये सीक्वेंस है, पहले हैबिट, फिर उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, तब स्टेम, तब लीफ, फिर फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर में पहले इनफ्लोरेसेंस, फिर उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स, सेपल, कैलिक्स, पेटल, ये सब, और फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनेगा, तब जाके लास्ट में क्या लिखेंगे हम, फ्लोरल फार्मूला जो है टेक्निकल जो है कि सिंबल के साथ। ये सब लिखा कहाँ जाएगा, ये सब लिखा जाएगा कॉपी पे लिखा जाएगा,
हाँ, तो हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं तो वो सीक्वेंस में लिखा रहता है, जो भी कोई हम बुक पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में, जो कहीं कोई तो लिखा है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन RSBTECHER। फिर से एक बार देखो, सिंबल जो है BR है तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक प्रेजेंट होगा, छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो है। ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक जो है कैसा हो गया, एबसेंट हो गया। कैलिक्स को K से लिखेंगे, करोला को C से लिखेंगे, पेरियंथ। जब कैलिक्स करोला ये पूछा गया है, कैलिक्स करोला जब यूनाइटेड होते हैं तो क्या बोला जाता है, पेरियंथ। और पेरियंथ का सिंबल क्या हो गया, पी हो गया। गाइनोसियम जी सबको पता है, गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी, जब ये बार नीचे रहेगा तो सुपीरियर ओवरी मतलब ऊपर, सुपीरियर मतलब ऊपर रहेगी, और यहाँ पे जो है कि हाँ, और जब ओवरी जो है कि कैसे ही इपिगाइनस कंडीशन की हाइपोगाइनस कंडीशन, इन्फीरियर ओवरी का क्या कंडीशन है, हाँ इपिगाइनस इन्फीरियर, ठीक है। तो ये इपिगाइनस इन्फीरियर वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद बात करेंगे जो है, ये भी सबको पता है भैया, एक केवल दिया गया यूनिसेक्सुअल, ये क्या हो गया, ये मेल का सिंबल हो गया और ये सिंबल हो गया भैया, सब एकदम सरल, फीमेल का सिंबल हो गया। और ये वाला भी जो है कि सबको पता ही है, ये हो गया बाई सेक्सुअल कंडीशन, ठीक। अब उसके बाद जो है आ रहा है इसकी सिमेट्री। अब बात करते हैं सिमेट्री की, और सिमेट्री में एक तो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, तो नहीं है तो सिमेट्री तो ए सिमेट्रिक, अगर सिमेट्री है तो दो वाली, एक जो है कि कौन सी, एक्टिनोमार्फिक, दूसरा जाइगोमार्फिक, एक में रेडियल सिमेट्री एक में बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहां पे जो है कि ये हो गया एक्टिनोमार्फिक, हाँ एक्टिनो वाला ये होता है, और जो है जाइगो वाला ये होता है, हाँ जाइगो मार्फिक। तो ये सिंबल अगर याद रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। खत्म हो गया सिंबल के, अभी और है क्या है, एंड्रोसियम रह गया, चलो एंड्रोसियम हो गया है, एंड्रोसियम हो गया ए कैपिटल ए, ठीक है। अब कंडीशन दी गई है, अगर ब्रैकेट ऐसे दिया गया है, अगर ये ब्रैकेट दिया गया है तो ये फ्यूज्ड कंडीशन, फ्यूजन दिखा रहा है ना, कैलिक्स आपस में फ्यूजन दिखा रहा है, एंड्रोसियम का आपस में फ्यूजन दिखा रहा है, या करोला का आपस में फ्यूजन दिखा रहा है। और ऐसे अगर ऊपर की तरफ एक लाइन दी गई है ऐसे, तो ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, फ्यूज का मतलब जो है कि ये फ्यूज मतलब एक यूनाइटेड, वो वाली कंडीशन हो गई। कैलिक्स करोला से जब जुड़ा हुआ है जैसे, तो हम ये कंडीशन यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एडेशन दिखाएंगे। और एक चीज बची हुई है, जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो एक मदर एक्सिस होती है, तो मदर एक्सिस के लिए जो है कि एक पॉइंट जो है, डॉट जो है दिखाया जाता है, या पॉइंट बोल दो, ये हमें दिखाता है मदर एक्सिस। इतनी बात तो जो है सिंबल की हो गई। तो तीन तो फैमिली पढ़नी है छोटी छोटी, एक फैमिली है, क्या क्या नाम है फैमिली का, फैबेसी फैमिली, फैबेसी किसकी सब फैमिली है, ये फैबेसी सब फैमिली, एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में कि सब फैमिली ऑफ, आप बोलो लेगुमिनेसी की एक सब फैमिली जो है, ये सब फैमिली जो है लेगुमिनेसी की सब फैमिली है, चलो ठीक है। दूसरी एक लाइन दी गई है कि अर्लियर पहले इसको जो है किस नाम से जाना जाता था, है ना, अर्लियर की स्पेलिंग खा जा रहे हैं, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पैपलियो, पैपलियो नेसी नहीं लिखा होगा, पैपली नोआडी करके लिखा होगा, है ना, पैपलियो नोआडी करके कुछ लिखा होगा, ई ए। तो ये क्वेश्चन बन गया ये भैया कि फैबेसी को जो है दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक। अब दूसरा जो है कि कहां पाई जाती है ये, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्री तो पूरे संसार में पाया जा रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब पूरे संसार में कहां कहां पाया जा रहा है, सब जगह पाया जा रहा है,
कौन से है, मटर, मटर सब जगह मिलने वाली है। अभी बात हुई कि जब हम इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखेंगे। सबसे पहले किसकी बात हुई, सबसे पहले हम जो है लिखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। और वेजिटेटिव कैरेक्टर में ये जो है कि बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे आपको, झाड़ियां भी मिलेंगी और छोटे छोटे हर्ब्स भी मिलेंगे। तो जो फैबेसी फैमिली है, फैबेसी फैमिली में जो है ट्रीज भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे और हर्ब्स भी मिलेंगे। अब दूसरी चीज जो है कि बात किसकी आ गई, स्टेम की। यहाँ पे वेजिटेटिव में क्या लिखना था, स्टेम। तो स्टेम आपको जो है सीधा भी मिलेगा एकदम अपराइट, और आपको जो है कि मतलब थोड़ा सा उड़ी रहेगा, और पतले पतले जो है कि किसी प्लांट के सपोर्ट में जो है ऊपर चढ़ने वाले क्लाइंबर भी मिलेंगे। फैबेसी फैमिली में जो है ट्रीज भी मिलेंगे, सब श्रब्स भी मिलेंगे, हर्ब्स भी मिलेंगे, हाँ। और यहाँ पे जो है कि स्टेम कैसा होगा, इरेक्ट होगा, क्लाइंबर होगा। इतना हुआ। अब उसके बाद जो है कि किसकी बात होगी, स्टेम हो गया, रूट की बात कर रहे हो, हाँ। तो रूट जो है पहले क्या बोले, पहले रूट होता है, तो रूट तो दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में, देखो रूट ही लिख लो भाई, रूट तो दिया ही नहीं है। मोनोकाट होगा तो टैप रूट है ना, हाँ। डाईकाट होगा तो टैप रूट। अब उसके बाद जो है लीव्स की बात करो, लीव्स की। अब लीव्स में जो है कि क्या कह रहा है, लीव्स, लीव्स में जब जो है निकल रहा था लीव्स फाइलोटैक्सी, तो कैसे कहते हैं फाइलोटैक्सी में क्या क्या था, एक था अल्टरनेट, एक था अपोजिट, एक था वर्ल्ड, है ना, लीफ की पोजीशन। तो यहां पे जो लीफ मिलने वाली हैं वो कैसी मिलने वाली हैं, अल्टरनेट। किस में, फैबेसी फैमिली में लीफ्स कैसे मिलेंगी, अब अल्टरनेट मिलेंगी। चलो एक ये निकली, फिर एक आगे निकली, फिर ऊपर, फिर ऐसे ऐसे जो है निकलती चली गई, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, लीफ सिंपल है कि कंपाउंड। तो यहां पे जो है कि कंपाउंड में एक था पामेट, एक था पिन्नेट। तो यहां पे लिखा हुआ है जो है कि कैसी लीफ पाई जा रही है, पिन्नेट वाली लीफ पाई जा रही है ना। और फिर से छोटा सा पार्ट लीफ बेस के पास जो निकला हुआ था, रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल रहे थे, स्टिपुलेट। तो यहां पे स्टिपुलेटेड जो है कंडीशन मिलेगी। फिर से एक बार देख लो, ट्री मिलेगा, श्रब मिलेगा, हर मिलेगा, चलो सब मिलेगा, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। स्टेम जो है वो इरेक्ट है, क्लाइंबर है, चलो ठीक है। लीव्स कैसी हैं, अल्टरनेट मैनर में है, पिन्नेट पाई जा रही है, कंपाउंड लीफ की टाइप, और जो है स्टिपुलेट है ना। उसके बाद लीफ बेस जो है वो कैसा हो गया है, लीफ बेस जो है वो पल्विनेट टाइप का है, पल्विनेट कंडीशन जो है लीफ बेस में जो है, और स्टिपुलेट तो है ही। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज जो है, लीफ जो है वो कंपाउंड या सिंपल दोनों रहेगी कि केवल कंपाउंड रहेगी, लीफ जो है वो सिंपल भी होगी और कंपाउंड में पिन्नेट होगी, ठीक। अब उसके बाद लीफ का एक आता है वेन का अरेंजमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, बोलो भैया, विनेशन। तो ये विनेशन कैसा मिलेगा, ये विनेशन जो है कैसा, डाईकार्ट्स है तो ये रेटिकुलेट मिलेगा, रेटिकुलेट टाइप। ये हो गया इसका जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब देख रहे हैं जो है फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले है इनफ्लोरेसेंस, और ये इनफ्लोरेसेंस है रेसीमोस। कैसा इन्फ्लोरेसेंस है, रेसीमोस टाइप का है। और उसके बाद जो है फ्लावर, फ्लावर जो है वो कैसा है, बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा हो गया, बाईसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। और कैलिक्स, कैलिक्स हो गया जो है जिसमें सेपल जो है 5 पाए जा रहे हैं। और गैमो,
से प्लस कंडीशन पाई जा रही है, मतलब यूनाइटेड है। उसके बाद जो है यहाँ पे पेप्लिनोइडी कंडीशन जो है कोरोला की, कोरोला में जो है पेप्लियोनेसियस कंडीशन पाई जा रही है, मतलब वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन एक स्टैंडर्ड, दो विंग और दो कील, इस तरह का अरेंजमेंट अभी देखेंगे फ्लोरल डायग्राम में। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम में स्टेमेन जो है वो 10 है, और डाई एडल्फस कंडीशन में, डाई एडल्फस कंडीशन में जो है इनका अरेंजमेंट है 9+1, 9 जुड़। गाइनोसियम, गाइनोसियम जो है गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी यूनिलॉकुलर मोनोकार्पलरी, ये कंडीशन पाया जा रहा है। और जो है स्टाइल इसमें जो है वो सिंगल मिलेगी, स्टाइल सिंगल। फ्रूट लेग्यूम टाइप का, सीड जो है वो कैसे हो जाएंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक और ओव्यूल जो है वो सीड्स जो है एक से जो है एक भी हो सकते हैं और मेनी भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो है ये एस्टिवेशन हो गया, तो ये किस तरह का एस्टिवेशन है, सब मार्जिन से जुड़े हुए हैं, कोई किसी के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है, कैसा एस्टिवेशन, वॉलवेट। वॉलवेट फिर उसके बाद जो है कि दूसरा कैलिक्स का जो है कि वॉलवेट है, करोला का जो है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। कैलिक्स का वॉलवेट है, करोला का जो है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। एक स्टैंडर्ड बड़ा सा हो गया, दो ठो साइड में हो गए और दो जो है नीचे हो गए जो है फ्यूज्ड छोटे वाले। अब उसके बाद डाइएडल्फस कंडीशन जो है स्टेमन की दिखाई है, स्टेमन की डाइएडल्फस कंडीशन। तो डाइएडल्फस में ये दिया गया है 9+1 वाला अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे एक दो ऐसे करके जो है अब नोट बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे ऐसे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब ये आपस में जो है जुड़े हुए हैं, ऐसे करके ये 9 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक अकेले है। तो 9+1 का अरेंजमेंट ये हो गया एंड्रोसियम का, स्टेमेंस का, ठीक। अब उसके बाद क्या, अरे आवाज, डाइएडल्फस कंडीशन हो गई, बचा केवल जो है अब गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जो है वो कैसा बनाना है, यूनिलॉकुलर गाइनोसियम सुपीरियर ओवरी है, तो इसको हल्का सा बस ऐसे आप दिखा दीजिए, है ना, हाँ बस ये बन गया जो है फ्लोरल डायग्राम। और उसके बाद जो है बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। फ्लोरल फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से सारा जो है, सबसे पहले कंडीशन क्या लिखेंगे, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे जो है कि उसका जो है यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है, कैसा है वो ये लिखेंगे। कैलिक्स जो है वो 5 थे, यूनाइटेड थे, स्टैंडर्ड वाला लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बीच वाला लिखा जाएगा, फिर उसके बाद छोटका वाला लिखा जाएगा, ठीक। और उसके बाद बात आएगी जो है एंडोसियम की, तो एंडोसियम जो है वो 9 आपस में जुड़े हुए, एक जो है फ्री, और ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर ओवरी विथ यूनिलॉकुलर कंडीशन मोनोकार्पलरी।
ये हो गया इसका फार्मपल्स जो है, तो इसको किसकी फैमिली बोली जाती है? फैमिली ऑफ पल्सेस बोला जाता है ना, ये पल्सेस वाली। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? ग्राम पी है, सारी दाल डाल दे, सेम और मूंग, ये दाल है, ग्राउंड नट की बात नहीं हो रही, पल्सेस की बात करो। ठीक, ये तो दाल की बात हो गई, अरहर, ठीक है। अब केवल दाल ही नहीं मिलता, यहाँ पे जो है एडिबल ऑयल भी मिलता है। जरूरी थोड़ी है दाल ही केवल मिले, दाल वाली फैमिली है, लेकिन अभी बताया इन्होंने जो है सोयाबीन और एक जो है कौन सा नट, कौन सा नट, कोकोनट, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट जो है, ये तेल वाला हो गया। खाली तेल ही मिलता है? कह रहा नहीं भैया, और भी चीज मिलती है, डाई, ये जो नील की खेती है ना, क्या नाम है उसका, इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा जो है डाई नील मिलती है। खाली नील ही मिलती है? कह रहा नहीं, जो है फाइबर भी मिलता है, फाइबर जो जो है जिससे चारपाई वारपाई बनती है ना, सनई, जिसको सन हेम्प बोलते हैं, लपेट लपेट के बनाया जाता है। बस है, चारा भी मिलता है, गाय भैंस को चारा भी मिलता है, बरसिन जिसको बोलते हैं, सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम नाम का जो है फॉडर, चारे की भी व्यवस्था हो गई। और एक वर्ड दिया गया ऑर्नामेंटल, है ना, अब इसका भी जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो ऑर्नामेंटल में इसको आप इस निशान लगा लीजिए, ल्यूपिन और स्वीट पी, है ना। और एक खास बात दी गई है, क्या, मेडिसिन, मेडिसिन क्या, मुलेठी, मुलेठी नाम का जो है कि एक मसाला, जिसको मेडिसिन, जी 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 जी, गला खराब हो जाए तो आजकल बड़ा यूज हो रहा है वो। तो ये फैमिली जो है कि फैबेसी फैमिली खत्म हो गई, हाँ फैबेसी फैमिली खत्म हो गई। सब फैमिली किसकी है, ये रिवाइज कर डालो एक बार, सब फैमिली किसकी है, लेगुमिनेसी की सब फैमिली है, जिसको पहले किस नाम से जानते थे, पहले जानते थे हम लोग जो है पेप्लिनोइडी के नाम से जानते थे। वेजिटेटिव जो है कि कहाँ पाई जाती है, सब जगह, दुनिया भर में सब जगह पाई जाती है। कैसा जो है वेजिटेटिव पार्ट्स में कैसे हैं, इसमें हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी पाए जाते हैं। जो है इसका स्टेम जो है वो इरेक्ट होता है, और कुछ क्लाइंबर भी पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स जो है इनके फैमिली में मिलेंगे आपको, नोड्यूल्स है ना, लेगुमिनेसी में जो है, लेगुमिनेसी में रूट नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लीव्स जो है वो सिंपल भी मिलेगी, लीव्स जो है वो कंपाउंड भी मिलेगी, अल्टरनेट मैनर में मिलेगी, और कंपाउंड में जो है पिनेटली पाई जाएगी, है ना। स्टिपुलेट्स भी इसमें पाए जाएंगे, और पल्विनस करके जो है कि स्ट्रक्चर इसका पाया जाएगा। विनेशन जो है वो रेटिकुलेट होगा, विनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा। और क्या बच रहा है, फिर आता है जो है फ्लोरल कैरेक्टर पे, फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस की बात होगी, तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कैसा होगा, रेसिमोस टाइप का होगा। फिर उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स की बात करेंगे, फ्लोरल पार्ट्स में कैलिक्स आएगा, कैलिक्स पांच होंगे, पांचों जो है सेपल्स फाइव होंगे, यूनाइटेड होंगे, गैमोसेपल्स हो, क्या छूट गया, हाँ सिमेट्री जो है, फ्लावर की बात करेंगे तो सिमेट्री जो है वो कैसी होगी, जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल जो है वो फ्लावर पाया जाएगा, एंडोसियम भी पाया जाएगा, गाइनोसियम भी पाया जाएगा। कैलिस की बात करें, कैलिस का जो एस्टिवेशन है वो वाल्वेट टाइप का पाया जाएगा, कोरोला का जो एस्टिवेशन है वो कैसा पाया जाएगा, वैक्सिलरी पाया जाएगा, ठीक है, वैक्सिलरी पाया जाएगा। एंडोसियम, एंडोसियम जो है वो 9+1 अरेंजमेंट डाइडल्फस कंडीशन पाई जाएगी, और गाइनोसियम जो है वो यूनिलॉकुलर मोनोकार्पलरी, मोनोलाकुलर यूनिलाकुलर मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी जो है हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं इसमें, बाकी जो है इसको रटना है, किसकी फैमिली, पल्सेस की फैमिली है। और क्या पाया जा रहा है, फ्रूट जो है वो लेग्यूम वाला है, सीड जो है वो एक भी पाए जा सकते हैं, ढेर सारे भी पाए जा सकते हैं,
नॉन इंडोस्पर्मिक जो है इसका जो है सीड पाया जाता है, इंडोस्पर्म यूज्ड अप हो चुका रहता है। दाल वाली फैमिली है, दाल के साथ कोको ग्राउंड नट भी पाया जाएगा, सोयाबीन भी मिलेगा जो है कि सन हेम्प भी इसी का एग्जाम्पल है। ट्राइफोलियम फॉर्डर जो है सिस्पेनिया ट्राइफोलियम मुलेठी बहुत सारे जो है कि चीज़ें इससे मिल रही हैं। तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हाँ तो बस अब बस करते हैं।